हेलो गाइस, दिस इज निज़ाउल हसन एंड यू आर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 3। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेशन आपके करवा चुके हैं, ये हमारा 3rd प्रैक्टिस सेशन है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको लेकर बैठना है एक नोटबुक और एक पेन या पेंसिल, और उसमें आपको क्या करना है, आप वहाँ पर काउंटिंग लिखेंगे 1 to 30, क्योंकि हमारे क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो उसमें से जो भी आपका ऑप्शन आएगा, जैसे हम 4 ऑप्शंस आपको शो करेंगे, तो जो भी आपको सही लगता है उसमें आंसर, वो आप अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वैसे ही आप 30 तक लिखेंगे। और जैसे ही हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 शो करेंगे और उसका ऑप्शन शो करेंगे, तो उसके आगे आपको जैसे लगता है कि इसका फर्स्ट का ए ठीक है तो आप ए लिख लेंगे, फिर आपको लगता है कि दूसरे का सी ठीक है तो आप सी लिख लेंगे, ऐसे ही आप पूरा लिख लेंगे। उसके बाद आपको ये आंसर की हम चेक करवाने के लिए वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर ठीक है, जिसके जितने भी मार्क्स आएंगे वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि उसके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, और कितनी उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है, और क्योंकि आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि 30 मिनट भी इसके लग पाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको हम 2 बार अब जब प्रैक्टिस करवा चुके हैं तो आपको पता ही है कि उसके इंस्ट्रक्शन क्या होने वाले हैं। सो यहाँ पर हम पेंटिंग के लिए रख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 5% लोगों के पास ही कमर्शियल आर्ट या फिर स्कल्पचर है और बाकी सबके पास पेंटिंग है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ पेंटिंग का ही डिस्कस करवा रहे हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपको 60 मिनट्स मिलने वाले हैं और इसमें आपके पास 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको यहाँ पर 2 मिनट्स पर क्वेश्चन के मिलने वाले हैं। ओके, जनरल इंस्ट्रक्शन वही है कि आपको 3 सेक्शन दिए जाएंगे ए बी सी, और ए में आपको मिलेंगे 12 क्वेश्चन जिसमें से 10 अटैम्प्ट करने होंगे, और सेकेंड में भी आपको 12 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 10 अटैम्प्ट करने हैं, एंड थर्ड में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये आपका होने वाला है 15 मार्क्स का यहाँ पर। और चलिए अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा हम टाइम यहाँ पर वेस्ट करेंगे अपना। सेक्शन 1 में दे रखा है नॉलेज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पेंटिंग इज पेंटेड बाय साहिबद्दीन इन मेवार स्कूल ऑफ आर्ट। सो और यहाँ पर मैं थैंक करना चाहूँगा महक जैदी का, जिन्होंने हमें ये क्वेश्चन पेपर भेजा है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमें क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए। एंड सो हमारा जो क्वेश्चन 1 है वो है, विच पेंटिंग इज पेंटेड बाय साहिबद्दीन इन मेवार स्कूल। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मारो रागिनी, बनी ठनी, चौगन प्लेयर्स एंड कृष्णा ऑन स्विंग। अब इसमें से आपका जो भी आंसर आपको सही लगता है वो आप टिक कर लीजिए, और बाद में हम उसको चेक करेंगे कि हमारा कौन सा आंसर ठीक है और हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी प्रिंसेस वर शोन इन पेंटिंग चौगन प्लेयर। ऑप्शन है 6, बी 7, सी 5, डी 8। आपने अगर हमारा जो हमने पूरा सेशन एक करवा रखा है, एक ही वीडियो में हमने पूरा सिलेबस कवर किया है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे आराम से। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी प्रिंसेस वर शोन इन पेंटिंग चौगन प्लेयर। चौगन प्लेयर और चांद बीवी प्लेइंग पोलो दोनों चौगान की पेंटिंग्स हैं, तो उनमें आपको ध्यान रखना होगा और आप देख सकते हैं कि कौन सी पेंटिंग आपकी यहाँ पर सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इन राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग विच पेंटिंग हैज़ 2 पैनल। तो कौन सी पेंटिंग में 2 पैनल्स दिए गए हैं। आपका ऑप्शन ए है राधा बनी ठनी, सेकेंड मारो रागनी, सी चौगन प्लेयर, डी कृष्णा ऑन स्विंग। यहाँ पर जो भी आपका आंसर ठीक है वो आप लिख लीजिए अपने नंबर के आगे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आता है, रसिक प्रिया इज अ पोइट्री बुक दैट वॉज रिटन बाय। तो रसिक प्रिया एक बुक है, उसको किसने लिखा है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, नैनशुक या मनाकू, और भानु, केशव दास और अकबर, ये आपके ऑप्शन हैं। आपको जो भी आंसर सही लगता है वो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट इज अ चार्मिंग पेंटिंग, इट वॉज प्रिजर्व इन द बुक शाहनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, बाबरनामा। अब ये आप लगाएंगे कि कौन सा आपका सही होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, अ पेंटिंग भारत मीट राम एट चित्रकूट वॉज पेंटेड बाय। तो भरत मीट राम एट चित्रकूट एक पेंटिंग है, वो किसने बनाया है, दाना, नूरुद्दीन,
निहाल चंद गुमन। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, अनवरे सुहेली एंड यूसुफ जुलेखा आर द लीजेंड्स ऑफ द पीरियड ऑफ, वो किस पीरियड के लीजेंड्स हैं, उनके इस सब्जेक्ट पे पेंटिंग बनी है। तो इसमें है यूसुफ आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, औरंगजेब और शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, विच वन इज नॉट द स्पेशलिटीज ऑफ स्टाइल ऑफ डेक्कन आर्ट, विच वन इज नॉट द स्पेशलिटी ऑफ स्टाइल ऑफ डेक्कन आर्ट, डेक्कन आर्ट की कौन सी स्पेशलिटी नहीं है। द रिदमिक डेलिकेसी ऑफ पर्सिया, स्टाइल इफेक्ट विद अजंता आर्ट एंड 3D एस्पेक्ट्स ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड द लश सेंसुअलिटी ऑफ डेक्कन स्कूल। यहाँ पर आपको देखना है कि आपका कौन सा आंसर यहाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन इज द क्रिएशन ऑफ, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी पेंटिंग है। मिस्किन, रामदास, हाजी मदनी, उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द टू मास्टर आर्टिस्ट फ्रॉम ईरानियन अकबर्स कोर्ट, ईरानियन अकबर्स कोर्ट, अकबर कोर्ट के दो जो फेमस आर्टिस्ट हैं, मास्टर आर्टिस्ट हैं, वो कौन है। फकीर उल्ला खान एंड मिस्किन, मीर सैयद अली एंड अबू समद, हाजी मदनी एंड अबू समद, दारा शिकोह एंड रामदास। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच स्टाइल चांद बीवी प्लेइंग पोलो वॉज पेंटेड, कौन से स्टाइल में चांद बीवी प्लेइंग पोलो पेंट हुई है। हैदराबाद, मुगल, गोलकोंडा एंड किशनगढ़। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टाइल फ्लोरिस्ट इन गोलकोंडा, ए डेक्कन स्टाइल, मुगल स्टाइल, पाल स्टाइल, जैन स्टाइल। सेक्शन बी आता है अब, एनालिसिस एंड कैलकुलेटिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13, विच पेंटिंग इज द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ प्रोविंशियल मुगल स्टाइल, बनी ठनी, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, मारो रागनी, चोगन प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिक्स हॉर्सेस आर शोन इन द पेंटिंग, किस पेंटिंग में सिक्स हॉर्सेस दिख रहे हैं, बनी ठनी, कृष्णा ऑन स्विंग, चोगन प्लेयर, चांद बीवी प्लेइंग पोलो। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह कौन है, किंग ऑफ बीजापुर, किंग ऑफ दिल्ली, किंग ऑफ हैदराबाद, किंग ऑफ आगरा। क्वेश्चन नंबर 16, विच आर्ट ऑफ इस्लामिक पेंटर वॉज कन्फाइंड टू टैक्स इल्यूमिनेशन, ए मुगल, बी डेक्कन, सी राजस्थानी, डी पहाड़ी। विच वन इज नॉट नोन एज सब स्कूल ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, ए बसोहली, बी गुलेर, सी किशनगढ़, डी कांगड़ा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट इज चार्मिंग पेंटिंग बिलोंग्स टू विच पीरियड, फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट इज चार्मिंग पेंटिंग बिलोंग्स टू विच पीरियड। ओ ये दोबारा आ गया क्या, चलिए कोई बात नहीं। एंड इसका ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 19, ही इज नॉट अ पेंटर ऑफ मुगल स्कूल, अगर ये ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो आप उसे पॉज करके थोड़ा सोच सकते हैं कि मतलब कौन सा उसका आंसर होगा, तो यहाँ पर आप पॉज भी कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको मेरे साथ साथ भागना, इतने जल्दी करना है आपको, 1 घंटा ले सकते हैं आप। ही इज नॉट अ पेंटर ऑफ द मुगल स्कूल, मुगल स्कूल का कौन पेंटर नहीं है। नूरुद्दीन, मिस्किन, रामदास, उस्ताद मंसूर। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज नॉट नोन एज सब स्कूल ऑफ डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, इसमें कौन सा सब स्कूल नहीं है डेक्कन स्कूल का। बीजापुर, गोलकोंडा, औरंगाबाद या अहमदनगर। क्वेश्चन नंबर 21, विच मुगल एम्परर बैन ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट इन हिज कोर्ट, हुमायूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब। विच सब्जेक्ट इज पेंटेड द मोस्ट इन जहांगीर रिजाइन, पोर्ट्रेट, ह्यूमन एंड नेचर, भगवत पुराण, राधा एंड कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 23, विच सब्जेक्ट वॉज पेंटेड द मोस्ट इन बसोहली स्टाइल, ऑप्शन ए गीत गोविंद, बी रामायण, सी नायिका भेड़, डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 24, इन पहाड़ी स्कूल विच सब स्कूल फीचर्स आर फिश और लोटस शेप,
आइज, राउंड चिन, ओवल फेस। ए गढ़वाल, बी चंबा, सी कांगड़ा, डी बसोली। नाउ सेक्शन सी, इसमें आपको हायर ऑर्डर स्किल्स क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये देखना है कि इसमें आपको एसरेशन और रीजन दिए गए हैं, ठीक है। सो उसमें आपको ये देखना है कि उसका ए सही है, उसका रीजन सही है, या स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, ये क्या चीज़ सही है उसमें। जैसे यहाँ दे रखा है, अगर ऑप्शन वन अगर आप लगाएंगे, जैसे कि ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, तो इसमें होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो एसरेशन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर होगी तो आपका ए सही होगा, और आपका जो बोथ स्टेटमेंट है वो सही होनी चाहिए और उनका एक्सप्लेनेशन भी ठीक होना चाहिए, तब ए होगा। और बी के लिए आपका है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो उसका जो रीजन है वो सही नहीं होगा, तो वो बी आपका ऑप्शन होगा। अगर सी में आए थ्री मतलब, तो ए इज ट्रू एंड आर, अगर ए सही है और आर गलत है तो आपका सी होगा, और फिर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू तो फोर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 आई मीन, क्वेश्चन नंबर 25 में आता है, इसका एसरेशन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड अ पोस्टल स्टैम्प ऑन द पेंटिंग बनी ठनी। ओके, इसका रीजन दे रखा है बनी ठनी इज द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ द राजस्थानी स्कूल। ओके, सो आप इसमें देखेंगे इसका बन सही है, क्या सही है, कौन सा सही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 26, हजरत निजामुद्दीन औलिया हैड वाइट बियर्ड, इसका जो रीजन दे रखा है वो है बियर्ड ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया इज द सिंबल ऑफ बीइंग इन अर्ली चाइल्डहुड। 27, अ थिन स्ट्रिंग इज टाइड अराउंड फाल्कन नेक एंड हैंग्स लूजली टू ग्राउंड, इसका रीजन है सो द फाल्कन वॉज किल्ड बाय अ कैट। 28, औरंगजेब इज अक्नॉलेज्ड एज द फादर ऑफ मुगल आर्ट, रीजन है अकबर गोट अ पेपर मिल एस्टेब्लाइज इन सियालकोट। क्वेश्चन 3, मिस्किन बिलोंग्स टू जहांगीर पीरियड, मिस्किन आर्टिस्ट है वो जहांगीर पीरियड से रिलेटेड है क्या, ये यहाँ पूछा गया। एंड जो उसका रीजन है वो है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन वॉज पेंटेड बाय मिस्किन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ये मैच द कॉलम्स ए टू बी। सो यहाँ पर दे रखा है राधा बनी ठनी, मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा सिको, बारहमासा और चौगन प्लेयर। आप इनको आप मिला सकते हैं रेड कलर बॉल, निहाल चंद, प्रोविंशियल मुगल स्टाइल एंड 12 मंथ्स ऑफ एन ईयर, तो इसमें आपका जो भी ठीक होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम इनके आंसर रिवील करते हैं, तो आप अपनी लिस्ट लेकर के तैयार हो जाइए कि कौन सा आपका आंसर ठीक होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ देखेंगे आप, ये आंसर्स हैं आपके सेक्शन ए में, 1 का A, 2 का A, 3 का D, 4 का C, 5 का C, 6 का D, 7 का B, 8 का B, 9 का A, 10 का B, 11 का C, 12 का A, सेक्शन बी 13 का B, 14 C, 15 का A, 16 का A, 17 का C, 18 का B, 19 का A, 20 का C, 21 का D, 22 का B, 23 का D, 24 का D। नाउ सेक्शन सी, 25 का 1 मतलब ए, 26 का 3 मतलब सी, 27 का 2 मतलब बी, 28 का 4 मतलब डी, 29 का 4 मतलब डी एंड 30 का 1 मतलब ए, 30 का A। आप कमेंट करके बताएंगे कि किसके यहाँ पर 15 out of 15 आए हैं, या किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। और हमारे जो वन लाइनर वाली वीडियो है वो आप देख लेंगे तो आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाएंगे। सो यहाँ पर आप ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वहाँ पर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।